अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो रही है। आज मैं बना रही हूँ चस्का चिकन टिक्का। बहुत ही टेस्टी और यमी चस्का चिकन टिक्का बनेगा। उसके लिए मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन ले लिया। चिकन को अच्छे से वॉश करके एक बाउल में डाल दिया और इसके साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और घर में चिकन टिक्का चस्का बनाएंगे। घर का खाएं, बाज़ार का भूल जाएं। ठीक है, हमने चिकन टिक्का 1.5 किलो ले लिया है और इसके मैंने जो पीसीस करवाए हैं आपको देख रहा नज़र आ रहा होगा, कैमरे की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके के हमने पीसीस इसके करवाए हुए हैं। 1 टीस्पून इसमें जर्दा रंग जाएगा, फूड कलर जिसे कहते हैं, जो हम जर्दे में भी यूज़ करते हैं वो जर्दा रंग हमने 1 टीस्पून के करीब डाल देना है इसके अंदर। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे प्यारे भाई भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर जल्दी से मेरे मोबाइल को पकड़ लीजिए, अपने मोबाइल को, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। बहुत शुक्रिया। बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 टीस्पून मैंने जर्दा रंग ले लिया और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर डालना है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने अपने वीडियो पर लहसुन पाउडर बनाने की बहुत आसान रेसिपी दी हुई है। ठीक हो गया, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी है लहसुन पाउडर। और चिकन टिक्का मसाला कोई सी भी ब्रांड का लेने, मैंने ये नेशनल वालों का ले लिया, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो चिकन टिक्का मसाला हम डालेंगे। चस्का हमने किस तरीके से बनाना है वो मेरे साथ रहिएगा। हमने इसके अंदर ये डाल देना है। ठीक है, ये तकरीबन 2 टीस्पून भर के होगा पाउडर। लेमन बहुत अच्छे आए हुए, लेमन जूस हम इसके अंदर डालेंगे। 2 से 3 अदद लेमन जूस ले लेंगे। और मैंने लेमन जूस का एक पौधा भी रखा है घर के अंदर ही, वो उसमें भी लेमन बड़े प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं अभी, मगर येलो हैं, नहीं हुए, ग्रीन ही हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं इस्तेमाल किए, वरना मैं घर के लेमन इसमें डालती। ठीक है, इसके अंदर हमने बीज को निकाल लेंगे, जो बीज चले गए इसके अंदर, हम इसमें 4 से 5 अदद लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को जो है एक दफ़ा आप देख लिया करें पूरी एंड तक और शेयर कर दिया करें, लाइक शेयर ज़रूर बनता है, हमारी मेहनत होती है और हम लोग जो यूट्यूब वालों के साथ मिलके जो है आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं उनका भी ताउन का बहुत शुक्रिया होता है। जब तक वीडियो वो अपलोडिंग करते हैं और वो आप तक पहुँचाते हैं, यूट्यूब वालों का भी शुक्रिया और आपका भी तहे दिल के साथ शुक्रिया। हमने 4 टीस्पून के करीब दही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दही क्रीमी और आपने मिल्की लेना है। ठीक है, खट्टा दही नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपकी मलाई की तरह जो है चस्का चिकन टिक्का बनेगा। अब हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, बहुत अच्छे से हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया इसको। अब इसको किस तरीके से पकाना है मेरे साथ रहिए। एक बर्तन ले लिया और मैरिनेट किया हुआ चिकन तकरीबन 15 मिनट हो गए, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल का डालना है, ज़्यादा ऑयल का हमने यूज़ नहीं करना, 1 टीस्पून का मतलब 1 टीस्पून। और इसको ढक देंगे हम तकरीबन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, हमने इसको कुक करना है और इसको ढक के रखेंगे, फिर हम इसको थोड़े से चिकन को हिलाएंगे, फिर मैं बताऊंगी इसमें एंड पे क्या डालना है। हमारा रेडी हो गया चस्का चिकन। चिकन टिक्का इतना टेस्टी, इतना यमी और इतना जूसी बनता है कि आप जो है ना हैरान रह देंगे। लेकिन मसाला भी इतना ज़्यादा है और ऑयल जो हमने 1 टीस्पून के करीब डाला था वो भी ज़्यादा मिक्स हो गया, बोटियों के साथ चिपक गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने खुश कर लेना अच्छे से और एक कोयला लेना है, उसको गर्म होने के लिए रख देना है। बाज़ार से बना हुआ चिकन मत खाएं, क्योंकि पता नहीं कि वो कौन सी मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं, मरी हुई तो मुर्गी नहीं है। अगर ज़िबा करवाई है तो अपने सामने करवा के वो खा सकते हैं, मगर अपने सामने बाज़ार से चिकन टिक्का लेके किस तरीके से खाएंगे। आप घर में बनाएं और मेरी रेसिपी को साथ इंजॉय करें। ये देखिए खुश्क हो गया, इसको हम उतार लेते हैं, थोड़ा सा मसाला ग्रेवी रखेंगे क्योंकि नान के साथ ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा। कोयला जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने लेना है इस तरीके से, मैंने कोयले को रखा है और इसमें 1 टीस्पून के करीब हमने ऑयल का डाल देना है। कोई सा भी ऑयल है, 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक इसको दम भी लगेगा। स्टीम आ चुका है, कोयला हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चस्का चिकन टिक्का रेडी हो गया घर के अंदर। चस्का चिकन टिक्का रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।